हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो भैया, आज का एपिसोड बहुत ही रोमांचपूर्वक होने वाला है, तो जितना हो सके आज के एपिसोड को लाइक कीजिए। इसी नोट पर आज का एपिसोड शुरू करते हैं। बॉलीवुड एक्टर्स वर्किंग विद साउथ डायरेक्टर्स, अभी एक ट्रेंड सा हो चुका है, स्पेशली आफ्टर द ह्यूमंगस सक्सेस ऑफ शाहरुख खान एटलीस्ट जवान। अभी हर डायरेक्टर के साथ जो के साउथ का डायरेक्टर है, बॉलीवुड स्टार्स वांट टू वर्क विद देम। अभी सभी लोगों को पता है गाइस, सलमान खान अपनी फिल्म जो है एआर मुरुगदास के साथ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सारी नडियाडवाला की फिल्म है। सभी लोगों को बता दूं, शाहिद कपूर की अगली फिल्म जो है देवा, वो रोशन एंड्रूस के साथ जो है वो करने वाले हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं, वरुण धवन की जो फिल्म है बेबी जॉन, वो डायरेक्टर कलीस के साथ, जो कि एटली के असिस्टेंट रह चुके हैं, उनके साथ कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल द फ्लेवर ऑफ द सीजन इज वर्क विद अ साउथ डायरेक्टर। एंड इसमें दो लोग और जो है वो जुड़ने के लिए जा रहे हैं। एक तो यहाँ पर है पारंजीत इज ऑब्वियसली नोन फॉर डायरेक्टिंग काला एंड कबाली डॉट। तो रणवीर सिंह, जिनकी फिलहाल पूरे जो बैग है वो फुल है, फिलहाल डॉन 3 है उनके पास शक्तिमान है, दो फिल्में हैं। तो रणवीर सिंह जो है फिलहाल पारंजीत के साथ एक फिल्म करने वाले हैं, अभी तक उन्होंने हाँ बोला नहीं है। दूसरे कलाकार जो है वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा इसके साथ काम करने वाले हैं, वो जब जब हिंदी फिल्म में आए हैं मुंह के बल गिरे हैं, एंड जब जब उन्होंने अपनी मलयालम फिल्म बनाई है वो फिल्म अव्वल नंबर से पास हुई है। वो डायरेक्टर जीतू जोसेफ हैज गिवन अस दृश्यम। ऑब्वियस इसका रीमेक यहाँ पर हिंदी में हुआ था, दृश्यम 1, दृश्यम 2 भी जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट की है। जीतू जोसेफ जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने वाले हैं, एक थ्रिलर फिल्म है जिसका हिस्सा सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है होने वाले हैं। तो ये बॉलीवुड इनटू साउथ डायरेक्टर्स का जो जोश है वो अब आस्ते आस्ते बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर की तरफ आते हैं, तो मैं झुकेगा नहीं साला, अल्लू अर्जुन हैज बिगन अनदर स्केड्यूल फॉर पुष्पा 2। पुष्पा 2 के लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया कि शायद रश्मिका मंदाना ने अभी कहा है कि पुष्पा 2 जो बहुत बड़ी होने वाली है, उन्होंने गाना भी शूट किया हाल ही में। तो अल्लू अर्जुन जो है यहाँ पर वाइजैक पहुंचे हैं पुष्पा 2 की शूटिंग के लिए, एंड वहां पर लिटरली पब्लिक पागल हो गई है। खाली अल्लू अर्जुन लिखो तुम लोग, इतने वीडियोस मिलेंगे, इतने बड़े बड़े एक रैली निकल गई है, ऐसा लग रहा है कोई एक्टर ने कोई नेता जा रहा है, इतनी भीड़ है अल्लू अर्जुन के पीछे। अल्लू अर्जुन का स्वागत फूलों से किया गया, तो ही इज वन एक्टर हुज फैन फॉलोइंग इज गोइंग रियली क्रेजी, एंड अल्लू अर्जुन इज नो स्टार्टिंग अनदर स्केड्यूल फॉर पुष्पा 2। अब गाइस बात करते हैं बड़े तो बड़े मियां, ये गाना मत गाए भाई, हमारा फेवरेट गाना गाइए। सबको फेवरेट गाना कौन सा मुझे पता है, बताइए। मखमली सी है कुमारी, इश्क जैसी त्रिशा कोई ना, मस्त मलंग नुट। तो विशाल मिश्रा कोई अलग ही मूड में आजकल, उसको शायद जो भी गाना आने वाला है, वल्ला अभी भी कब आने वाला भाई, कब आने वाला है। अक्षय कुमार के फैंस फुल बेचैन हो रहे हैं, वो गाना नहीं आ रहा है। हाँ, एंड किसी ने उसमें बीच में सोचा छोड़ दिया कि वल्ला अभी रीमेक है। एंड विशाल मिश्रा फुल भड़के हुए मूड में आजकल, उसने ट्वीट किया है, वापस बोल रहा हूँ, बड़े में छोटे में पिक्चर भी ओरिजिनल है और मेरा म्यूजिक भी ओरिजिनल है। यानी जो गाना है मखमली इसका नाटू नाटू स्टेप के वजह से बहुत फेमस हो गया, विशाल मिश्रा ने लाइव कॉन्सर्ट में वो गाना गाया जिसपे उसे बहुत सारी तालियां सीटियां मिली। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो है भूल भुलैया तृतीया की। कल ही कार्तिक आर्यन ने फिल्म की शूट शुरू की है, एंड अनीस बज्मी डिस्पाइट हैविंग अ फ्रैक्चर्ड लेग, सेट से उन्होंने एक फोटो जो है पोस्ट की है, आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, अनीस बज्मी विद हिज फ्रैक्चर्ड लेग ऑन द सेट। को ट्रेन का सीक्वेंस है जहां पर अनीस भाई जो मॉनिटर जो है देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल सेट्स पे भूषण जी मौजूद थे, कार्तिक आर्यन थे, साथ में डिमरी डिमरी यस फ्रेंड्स न्यू नेशनल क्रश 50 डिमरी जो वो भी सेट्स पर थी, जो क्लैप बोर्ड है वो भी हमारे सामने आया, डायरेक्टर अनीस बज्मी एंड डीओपी मनु आनंद, एंड यहाँ पर गुलशन कुमार एंड टी सीरीज प्रेजेंट्स भूल भुलैया तृतीया। बहुत बड़ा बोर्ड लगाया है सेट के बाहर, भूल भुलैया तृतीया का ब्लैक कलर का बोर्ड है वहां पर, फूल लगाए हुए हैं, शैंडेलियर्स लगाए गए हैं। तो बहुत बड़ा शूट जो है फिलहाल भूल भुलैया 3 का जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब गाइस बात करते हैं वेलकम वेलकम 3 की, बात करते हैं भाई वेलकम 3 हमको क्यों नहीं लिया भाई, सबको ले लिया, पूरे गाँव को ले लिया। सर आपको लेने वाले, सर आपको RDX का रोल ऑफर किया था, आपने नहीं किया, और ठीक है आगे बढ़िया भैया। तो गाइस यहाँ पर बात करते हैं वेलकम तृतीया के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मार्च के महीने से वेलकम 3 का एक बहुत बड़ा स्केड्यूल जो शुरू होने वाला है। ये शूट शुरू होने वाली है सी प्रिंसेस होटल में। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर
वेस्टर्न सबर्ब्स में जुहू इलाके में सी प्रिंसेस नाम की होटल है, जहां पर एक बहुत बड़ा सेट जो है यहां पर लगाया जाने वाला है, जिसमें वेलकम थ्री की शूटिंग जो है मार्च के महीने से शुरू होने वाली है। एंड बहुत बड़ा स्केड्यूल है, वन शॉट स्केड्यूल, ऑलमोस्ट 45-50 दिन का स्केड्यूल जो होने वाला है। फिल्म के ऑलमोस्ट सभी के सभी कलाकार इंक्लूडिंग श्रेयस तलपड़े, इनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, एडमिट थे, तो वापस आने वाला है। एंड इसकी शूटिंग खत्म होने के बाद अक्षय कुमार जो है वो हाउसफुल 5 की शूटिंग करने वाला है। अब बात करते हैं उत्तरी, मैं तो शूट कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी शूट कर रहा है। तो गाइस अब बात करने वाले हैं आमिर मामू के बेटे जुनैद खान के बारे में, एंड ही इज शूटिंग वन रियली क्रेजी फिल्म। आप सभी लोगों को मैंने बताया था किस तरह से जुनैद खान एंड साई पल्लवी ये लोग जापान में शूट करते हुए दिखाई दिए थे, तो आमिर खान प्रोडक्शन के सारे क्रू मेंबर्स जो है वहां का स्केड्यूल जापान वाला रैप करके अभी फिलहाल मुंबई आ गए। अगला स्केड्यूल आई थिंक मद आइलैंड में होने वाला है, आई एम नॉट श्योर। तो गाइस यहां पर वो स्केड्यूल जो है साई पल्लवी एंड आमिर खान का जो बेटा है, खुद आमिर खान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो यहां पर वापस आ चुके हैं इन आमची मुंबई। अब गाइस बात करने वाले हैं शैतान के रीमेक के बारे में। कल मैंने आपको उस बात से रूबरू कराया किस तरह से शैतान का तमिल रीमेक जो है उसकी चर्चा बहुत जोरों शोरों से है। एंड अब बात करने वाले हैं अकुम बकुम विक्ट्री वेंकटेश के बारे में, जिनको साउथ में रीमेक किंग भी कहा जाता है, उनकी हर एक दूसरी फिल्म रीमेक रहती है। ही इज अ रीमेक स्टार यू नो डाउन साउथ, वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं दृश्यम की बात है शैतान के तेलुगु रीमेक में। दृश्यम का भी रीमेक में विक्ट्री वेंकटेश थे अकुम बकुम, एंड यहाँ पर अब शैतान का तेलुगु रीमेक जो है उसमें भी वेंकटेश ने अपनी रुचि जो है यहाँ पर दिखाई। तो बहुत जल्दी आई थिंक शैतान 2-3 हफ्ता हो जाएगा रिलीज करने के बाद, कुमार मंगत के पास तो ऑफर आने शुरू हो गए होंगे, एंड तेलुगु वर्जन के लिए विक्ट्री वेंकटेश जो यहाँ पर आ गए। अब गाइस बात करते हैं भूल भुलैया 3 की, तो भूल भुलैया 3 का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो करने वाले हैं यहाँ पर नन देन रजत जी। यस फ्रेंड्स, रजत जी जो है काफी मशहूर है गाइस यहाँ पर। रजत जी हमेशा यहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्में जैसे पठान, वॉर, इन सब का प्रोडक्शन डिजाइन जो है करते हुए दिखाई देंगे। एंड यहाँ पर सेट्स पर आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर रजत जी जो है यहाँ पर वापस से अनीस बज्मी एंड पूरे के पूरे क्रू के साथ शूट करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। लेट्स सी इस टाइम किस तरह का सेट बनाते हैं उन लोग यहाँ पर। रजत पोद्दार ने यहाँ पर पार्ट 1 भी किया था, बड़े बड़े हवेली के अंदर प्रोडक्शन डिजाइन करना, बड़े बड़े सेट डिजाइन करना, सेट पीसेस बनाना, ये उनके बाएं हाथ का खेल है। एंड आई थिंक इस फिल्म में 4 चांद वो डेफिनेटली लगाएंगे। अब गाइस बात करते हैं जॉन अब्राहम के बारे में। अब सभी लोगों को बता दूं, पठान से पहले, बहुत पहले जॉन इब्राहिम बड़े पर्दे पर नहीं आए हैं। 2023 पूरा जॉन की कोई फिल्म नहीं आई है। 24 ऑलमोस्ट अभी 1.5-2 महीना तो हो गया है, 2 महीना के ऊपर हो गया 2024 को। उसके पहले एक विलन द्वितीय में दिखाई दिया, तो वो भी एक डबल हीरो फिल्म थी। तो अगली जॉन की फिल्म है जो कि आई थिंक April 26 को स्लेटेड है, वो है तेहरान, मानुषी चिल्लर के साथ। तो वो फिल्म में अगली बार जॉन इब्राहिम जो है हमें बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं। लेकिन गाइस खबरें आ रही है कि जॉन जो है इस फिल्म को प्रीपोन करके एक नया रिलीज डेट अनाउंस करने वाले हैं। तेहरान का ट्रेलर जो है वो सेंसर हो चुका है, 2 मिनट 30 सेकंड का एक्शन पैक ट्रेलर है तेहरान का। एंड ये फिल्म अब शायद 3rd या 17th May को जो है वो रिलीज होकर आप सभी लोगों के सामने बड़े पर्दे पर आना। ये फिल्म जो है पहले क्लैश होने वाली थी अजय देवगन नीरज पांडे की फिल्म औरों में कहा दम था, जो आई थिंक 26 अप्रैल को आ रही है, तो वो फिल्म अभी फिलहाल नहीं आ रही है। नीरज पांडे ने कहा है कि मेरी पिक्चर जून में आएगी और वो चंदू चैंपियन के साथ, आई थिंक 15 या 14 जून को क्लैश होने वाली है। तो आई थिंक 26 अप्रैल का डेट खाली है जॉन के लिए, तो वो भी डेट पे आ सकते हैं। उसमें सिर्फ रुस्लान है यहाँ पर आयुष शर्मा की। तो लेट्स सी, सुनने में आ रहा है कि वो 3rd या 17th May को अपनी फिल्म रिलीज करेंगे। तो लेट्स सी गाइस, बहुत इंतजार कर रहे हैं भाई, जॉन बड़े पर्दे पर आ जाइए, आप आ जाए, जल्दी आ जाइए भाई। हाँ, लेट्स सी, उसे जो भी अपडेट होगी मैं आपको आकर जरूर बताऊंगा। ओके गाइस, सो मच, के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। सो पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई थिंक जितनी भी खबरें थी आप सभी लोगों को बता दिया हूँ, तो ऑल ऑफ यू आर वेल इन्फॉर्म्ड। अभी जो भी खबरें होगी कल के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।